हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है आप लोगों का। अपन आज इंग्लिश मीडियम का सोशल साइंस क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके पहले भी मैंने सारे सब्जेक्ट के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे के हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आंसर आपको दे रखे हैं, है ना। मेरे चैनल पे सर्च कीजिए एचबी ऑनलाइन क्लासेस, आपको सारा वीडियो सेक्शन में जाकर आप सारे विषय का आंसर नोट कर सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, वो भी सिर्फ मेरे चैनल पर। मेरे चैनल में शुरू से ही लेकर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैंने आंसर असाइनमेंट का भी डाला है, प्लस कक्षा 12वीं का भी। सारे विषय का मैंने हिंदी और इंग्लिश में आंसर डाला है, है ना। और इसी प्रकार अभी ये जब छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी क्वेश्चन आंसर मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डाला है। हिंदी मीडियम विद्यार्थी जो है सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है उसके आंसर जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा और शेयर बिल्कुल कीजिए दोस्तों। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो जिन विद्यार्थियों तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी थोड़ा कम होते हैं, उनको वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि सारे इंग्लिश मीडियम वाले तक ये पहुंचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए दोस्तों। क्वेश्चन पेपर सामने में रखने से आपको सुविधा ये होगी कि आप क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ स्पेलिंग मिस हो जाता है, कुछ स्पेलिंग बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड जो है इधर उधर हो जाते हैं, बाकी आंसर इज करेक्ट, आंसर जो है सारे सही हैं, है ना। आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको बुक से छत्तीसगढ़ ओपन जो बुक होता है उसको उससे बनाया गया है ना, तो आंसर इज करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। हु वाज मेड खलीफा आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। अबू बकर आएगा आंसर। हु डिस्कवर्ड द सी राउट ऑफ इंडिया, वास्को डी गामा आएगा। सेकेंड में आप स्क्रीन देखते जाइए दोस्तों, है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन थ्री, ब्रिटिश कम टू इंडिया इसका आंसर बिजनेसमैन है। द सोशल रिफॉर्मर ऑफ एवॉल्ड सती ट्रेडिशन इन इंडिया वाज, राजा राम मोहन राय आएगा। इसके बाद क्वेश्चन फाइव का है 1885। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं ना। फिल इन द ब्लैंक्स में जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपके आंसर है, ब्लैक कलर वाला क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट 2025 आएगा। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में राइट आएगा, और थर्ड में आएगा मैन मेड, फोर्थ में आएगा मैन बिल्डर, और फाइव में आएगा गल्फ ऑफ मन्ना। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। ट्रू और फॉल्स में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, सीधे आंसर दे दिया है, है ना। तो ट्रू और फॉल्स में देख लीजिए, फर्स्ट जो है ट्रू, सेकेंड फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फाइव ट्रू है, ठीक है। एट द प्रॉपर रिलेशन, ठीक। क्वेश्चन पेपर सामने रखिए। पहला में खरीफ क्रॉप आएगा, सेकेंड में आएगा रेडियो स्टेशन, थर्ड में चिल्का लैक, फोर्थ में फोर्स लेबर, और फाइव में फंडामेंटल राइट्स। ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके आंसर। क्वेश्चन टू, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। तो आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे टाइम पास होता है। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, ना बोलूंगा नहीं, है ना। थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ मिस्टेक हो उसको बस समझाते जाऊंगा, स्क्रीन आगे बढ़ाते जा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, वीडियो से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखिए, 360p में देखिए ताकि क्लियरली साफ साफ दिखे, है ना। 240p पर भी देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन टू का आंसर हो गया। क्वेश्चन थ्री है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। क्वेश्चन फोर है, राइट टू टीचिंग ऑफ मार्टिन लूथर। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका। क्वेश्चन फाइव है, लिस्ट एनी टू सोशल प्रैक्टिस अगेंस्ट विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वेयर मेड। इसके आंसर से है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट डिड एजिटेटर्स टू बाय थ्रोइंग बम इन द असेंबली। तो आंसर्स लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का मिलान जरूर कर लेंगे क्योंकि ट्रांसलेट किया गया है क्वेश्चन को, आंसर जो है सही है,
क्वेश्चन में थोड़ा वर्ड इधर उधर एक आध शब्द हो सकता है, ठीक है, बाकी आंसर जो है करेक्ट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैच कर जरूर कर लेंगे, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन में राइट एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, या वीडियो से ही आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रिंटेड है, वेरी राइटिंग में है। क्वेश्चन 9, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई लोकल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन 10, राइट टू फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़े थोड़े देर स्क्रीन को रोक कर रखा गया है, आप नोट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो है नहीं डाला जा रहा है दोस्तों मेरे चैनल में, इसलिए क्योंकि इसकी कॉपीराइट बनाकर बहुत लोग अपने चैनल में आंसर डाल रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, पीडीएफ जो है अवेलेबल नहीं कर पा रहा हूं, उसके बहुत सारे कारण हैं, मेरे ही चैनल के पीडीएफ को डाउनलोड करके बहुत सारे चैनल वाले उसकी कॉपी बना रहे हैं, इस वजह से इसके लिए सॉरी बोलता हूं मैं बार बार, है ना, इसको मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेहनत हम किए, हार्ड वर्किंग किए आंसर बनाने के लिए, और कोई उसका पीडीएफ डाउनलोड करके चैनल में शो कर दिए तो फिर हमारी मेहनत का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 12 है दोस्तों, नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोक कर रखा गया है आपकी सुविधा के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 में, राइट द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर, तो ये है आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 है, राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ रोडवे, इसके बाद क्वेश्चन 15 है, व्हाट आर राइट्स एंड ड्यूटीज, हाउ आर दे रिलेटेड टू इच अदर। आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 16 है, राइट थ्री फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला है वर्ड इधर उधर हो सकता है, आप वर्ड का मैच कर लेंगे, क्वेश्चन वही है दोस्तों, थोड़ा सा फर्क रहता है ना। राइट टू इक्वलिटी, 16 का ही आंसर है दोस्तों, आप मैच कर लीजिए, 16 का ही आंसर है वो, कोई दूसरे का नहीं है ना, सिर्फ क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन पेपर से जरूर मैच कर लें, बाकी आंसर जो है सही है क्वेश्चन 16। इसके बाद क्वेश्चन 17 नीचे में है, देखिए मैंने क्वेश्चन और आंसर को अलग अलग कलर्स फुल कर दिया इसलिए ताकि आपको जल्द से जल्द उसमें फर्स्ट से स्क्रीन में दिखे। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, तो ये है इसके आंसर दोस्तों, देखिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 18 में, अब थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि ऐसे में लंबाई बढ़ जाएगी वीडियो की, वीडियो को ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है दोस्तों, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो हम उसको बताते हैं कि यहाँ पर गलती हो चुका है करके, इसलिए जल्दबाजी हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा वीडियो वॉच ज़रूर करें, है ना, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं हर वीडियो में, मैं कभी भी है ना, बाकी लोग 15 मिनट 20 मिनट का बनाते हैं, मैं 7-8 मिनट का ही बनाता हूँ, है ना, अगर मुझे वॉच टाइम चाहिए ही होता है ना तो मैं और ज़्यादा मिनट का बनाता, दो दो पार्ट में बनाता, लेकिन मैं एक ही पार्ट में सारे को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। वीडियो आपको पूरा ध्यान से एक बार पूरा सुन लीजिए कि सर ने क्या क्या मिस्टेक क्या गलती है उसको बताया है, उसके बाद फिर आप फिर से स्टार्टिंग से वीडियो को पॉज कर लीजिए, सीधे चलाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो 18 और 19 का आंसर है दोस्तों, नोट करते चले जाइए। इसके बाद बढ़ते हैं 20 में, 20 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर नीचे में है, देखिए ये खाली जगह है, स्पेस है, तो स्पेस के स्थान पर ये आ गया आपका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके समझ कर नोट करना है। अपने पास है ना इंग्लिश कोचिंग कराने वाले भी हैं दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश मीडियम वाले को और कुछ आंसर चाहिए, कुछ एनी डाउट्स है, किसी चीज़ को समझना है, साइंस मैथ्स इंग्लिश मीडियम में यदि समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें, मैं इंग्लिश मीडियम के वीडियो को अपलोड करा दूँगा, आपको जिस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए
आगे आप स्टडी करेंगे, हो सकता है 11th में स्टडी करें, 12th में स्टडी करें या कहीं स्टडी करें, तो आपको इंग्लिश लेक्चरर की आवश्यकता हो तो हमारे पास है, हमारे चैनल में बहुत लोग हैं, है ना, तो हम आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप इंटरेस्ट लेते हैं आगे पढ़ाई के लिए तो ये उसी के आंसर है दोस्तों, नोट करते चले जाइए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नीचे में देखिए 22, हु आर द साइमन कमीशन आस्क्ड टू लीव इंडिया, वाई वाज है, तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 4-5 नंबर का है, शायद 5 नंबर का है, इसलिए आपको थोड़ा दीर्घ उत्तर यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि आपको देखिए अगर कम लिखेंगे तो आपको नंबर भी कम मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ, सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा लिखना होता है ना, हार्ड वर्किंग करना रहता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा लॉन्ग लिखेंगे इसका आंसर, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 23 की ओर, राइट द मीनिंग ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी हाउ इट इज ट्रेडिशनल, तो नोट करते चले जाइए, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी भगा देता हूँ मैं। क्वेश्चन 24 है, एक्सप्लेन हाउ वुमेन एम्पावरमेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नीचे में क्वेश्चन 25, इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 26, शो द फॉलोइंग ऑन द मैप, महानदी, हिमालय माउंटेन्स, मुंबई वे, बंगाल, भूटान, लक्षद्वीप, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है दोस्तों, इस नक्शे में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है दोस्तों, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिमालय माउंटेन ऊपर में है, भूटान है, ये महानदी है, मुंबई है, बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, नीचे लक्षद्वीप। लास्ट क्वेश्चन बच जाता है आपका 27, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एक्सप्लेन द प्रेशर ऑफ, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे आंसर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं सोशल साइंस के मेरे चैनल पे, होम साइंस, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स के सारे जो है इंग्लिश मीडियम में अपलोड हो चुका है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए जो देख रहे होंगे, धन्यवाद।